जब हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करी है तो हमने या 11th 12th की बायो आपस में इंटरकनेक्टेड है. सो आई होप सो कि जो मैं बोल रही हूँ अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो एक बार आप प्लीज़ मुझे बता दो, मैं उसके बारे में भी एक वीडियो बना दूंगी. अगर हम बात करें फर्स्ट यूनिट की 11th क्लास की जिसमें हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ी थी, ठीक है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हमने पढ़ी थी, ठीक है, आई होप सो यू रिमेंबर. ये किसने दी थी? आर एच विटेकर, ठीक है. इसने क्या बोला था कि कौन से कैसे कैसे डिवाइडेड है? मोनेरा, प्रोटेस्टा, फंजाई, प्लांटिया एंड एनिमिलिया. ऐसे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन गिवन है. बहुत सिंपल तरीका याद करने की कौन सा ऑर्गेनिजम्स में क्या होगा. मैं अगर ग्राफ बनाऊं फॉर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो ये ग्राफ कैसे जाएगा? सी, ऐसे. मतलब मोनेरा और प्रोटेस्टा में ज्यादा होते होते जब हम एनिमिलिया में जाएंगे तब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो रेट है वो क्या होता रहेगा? कम होता रहेगा, ठीक है. मोनेरा इंक्लूड्स ऑल योर यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स, प्रोटेस्टा इंक्लूड्स योर यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, फंजाई इज योर मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक एंड ये साइमल्टेनियसली चलता रहेगा, ठीक है. फंजाई में एक एक्सेप्शनल होता है, दैट इज योर ईस्ट, दैट इज योर यूनिसेलुलर इन केस ऑफ फंजाई. तो जब अगर हम बात करेंगे कि कौन से ऑर्गेनिजम्स में आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, सो यू हैव टू रिमेंबर दैट मोनेरा से धीरे 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 एनिमिलिया में जब हम जाएंगे तो आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का रेट कम होता चला जाएगा, ठीक है. सेम चीज अगर मैं सेक्सुअल की बात करूं तो सेक्सुअल के केस में आपका ग्राफ ऐसे आता है. मोनेरा, प्रोटेस्टा, फंजाई में इन सब में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो रेट है वो कंपैरेटिवली इज लेस देन प्लांट्स एंड एनिमल्स. प्लांट्स और एनिमल्स में जो मेन रिप्रोडक्शन होती है वो कौन सी होती है? आपकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है. अगर मैं बात करूँ प्लांटी के केस में, प्लांट के अंदर घुसते हैं, प्लांटी की अंदर क्या क्या था याद है? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स, क्लियर. तो अगर इसी प्लांट के अंदर घुस के अगर मैं ग्राफ बनाऊं अपना एसेक्सुअल का और सेक्सुअल का तो वो भी इसी तरीके से बनेगा. बस आपको ये लाइनें याद रखनी है, ठीक है. हमें पता है कि जो आपकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है प्लांट्स में दैट इज अ डबल फर्टिलाइजेशन, वो किसमें होगी? आपकी जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स में. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज्यादातर कहाँ है? आपकी जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स में. सिमिलरली अगर मैं एसेक्सुअल की बात करूं तो थैलोफाइटा में क्या आता था? आपके मोस्टली एल्गीज, ठीक है, ब्रायोफाइटा, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, क्लियर. तो ऑब्वियसली उनमें आपकी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज्यादा होगी एंड वो धीरे धीरे जब हम आगे जाएंगे एवोल्यूशन करेंगे आगे हम प्लांट्स में जाएंगे तो आपकी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होती रहेगी? कम होती रहेगी, ठीक है. चलो आई होप सो यू हैव रिटन इट. हम बात करते हैं कि कौन सी व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, कि कौन सी टाइप्स की रिप्रोडक्शन होती है. आ जाओ, इस चीज़ को हम याद करने के लिए समझने के लिए मैंने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को 3 पार्ट में डिवाइड करा है. ऑर्गेनिजम्स विच आर डायरेक्टली इन्वॉल्व, मतलब ऐसा प्रोसेसेस जिसमें ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली इन्वॉल्व रहते हैं. दूसरे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन थ्रू फॉर्मेशन ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स, एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स,
तीसरा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, थ्रू वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। क्लियर? मतलब ऐसे कौन से प्रोसेसेस हैं जिस प्रोसेस में एक ऑर्गेनिज्म इज डायरेक्टली इन्वॉल्व ताकि आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो, तो फर्स्ट क्राइटेरिया में आएगा। दूसरा आएगा कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स बनाते हैं कुछ ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, उनके थ्रू जब आपका रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, वो यहाँ आएंगे। एंड तीसरा आएगा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। सो लेट्स स्टार्ट, किसमें अब क्या क्या आएगा। फर्स्ट इज योर फिजन, सुनो वन एम आम एम बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, ठीक है, ये आपके चार प्रोसेस हैं जो जिसमें ऑर्गेनिज्म इज डायरेक्टली इन्वॉल्व फॉर योर रिप्रोडक्शन, कि इस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मैं खुद ही पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, आई डिडंट रिक्वायर एनीथिंग एल्स। इस केस में दे स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर की फॉर्मेशन होती है। एंड द लास्ट इज जिसमें हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, दैट इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन। चलो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टार्ट करेंगे अपना फिजन। सो फिजन का मतलब ही क्या है, स्प्लिटिंग इनटू टू या स्प्लिटिंग इटसेल्फ, इज कॉल्ड एज फिजन। ठीक है, फिजन आपका टू टाइप्स का होता है, बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन, बेटा बाइनरी वर्ड का मतलब ही क्या है, टू। सो अगर एक ऑर्गेनिज्म अपने आप को दो हाफ्स में टूट रहा है या तोड़ रहा है, दैट इज योर बाइनरी फिजन। ठीक है, स्प्लिटिंग इनटू टू हाफ्स, इट्स कॉल्ड बाइनरी फिजन। एंड मल्टीपल फिजन में क्या होगा कि ऑर्गेनिज्म स्प्लिट कर रहा है खुद को इन मोर देन टू ऑर्गेनिजम्स, ज्यादा नंबर में कर रहा है। क्लियर? एग्जाम्पल है, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है इसका, अमीबा एंड पैरामीशियम। एक बात याद रखनी है बेटा, फिजन, बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, ये सारे जो आपके कौन से ऑर्गेनिजम्स में होंगे, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में। क्लियर? सो इनमें वो ऑर्गेनिजम्स होंगे जो आपके कौन से किंगडम में आते हैं, किंगडम मोनेरा एंड किंगडम प्रोटेस्टा के केसेस में। यहां पर आ गया आपका अमीबा एंड प्लास्मोडियम। बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं कि अमीबा अपने आप को डिवाइड करता है इनटू टू इक्वल हाफ्स। सो अगर मैं पहले बात करूं फिजन की इंपॉर्टेंस की, कि फिजन में अगर मैं बोलूं कि व्हाट आर द बेसिक और इंपॉर्टेंट फीचर्स, तो पहला इसका इंपॉर्टेंट फीचर होगा, इसमें जो पेरेंट बॉडी है इट डिवाइड्स इटसेल्फ इनटू टू हाफ्स, वो खुद को ही डिवाइड कर रही है। अल्टीमेटली पेरेंट बॉडी नहीं रहती, पेरेंट बॉडी डजंट रिमेन इंटैक्ट, वो अपने आप को डिवाइड करके दो इक्वल हाफ्स में स्प्लिट कर रही है। दूसरी चीज, इसमें जो भी आपके डॉटर सेल्स बन रहे हैं, जो भी ऑफस्प्रिंग्स आपके बन रहे हैं, डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड ऑफ इक्वल साइज के बनते हैं। क्लियर? इक्वल साइज के आपके डॉटर सेल्स बनेंगे इन केस ऑफ फिजन। अमीबा का केस देखते हैं, अमीबा इट्स न्यूक्लियस, अमीबा ने अपने आप को इलोंगेट किया, न्यूक्लियस ने अपने आप को इलोंगेट किया, अल्टीमेटली इट विल डिवाइड लीडिंग टू
टू स्मॉलर साइज डॉटर सेल्स, ठीक है। अमीबा, सबसे पहले आपके यहाँ पर क्या हुई है, साइटोकाइनेसिस। व्हाट इज साइटोकाइनेसिस? साइटो मीन्स साइटोप्लाज्म, काइनेसिस मतलब डिवीजन, तो साइटोप्लाज्म की डिवीजन हुई है। ठीक है, और यहां पर आपके टू डॉटर सेल्स बनी है। फिर यहां पर आपके न्यूक्लियस की डिवीजन हुई है, तो न्यूक्लियस के लिए हमेशा कैरियोकाइनेसिस। बेटा कुछ वर्ड्स आपको ध्यान रखने हैं, कैरियो वर्ड जब भी यूज होगा इट इज फॉर न्यूक्लियस, कैरियो वर्ड हमेशा न्यूक्लियस के लिए यूज होगा, साइटोप्लाज्म के लिए साइटो वर्ड यूज होगा, काइनेसिस इज फॉर डिवीजन। तो जर्नलिन के जर्नलिन एवरी सेल कैरियोकाइनेसिस पहले होती है और साइटोकाइनेसिस बाद। ये कब हो रहा है बेटा? जब अमीबा के पास फुली मैच्योर्ड अमीबा है, ठीक है, सारी फेवरेबल कंडीशंस उसके पास हैं, जब ये सारी चीज़ें हैं उसके पास, वो अपनी नेचुरल साइकिल कर रही है, नेचुरल अपना। और ये किस टाइप का फिजन है? ये बाइनरी फिजन, दो में स्प्लिट हो रहा है, तो अपने आप को डिवाइड कर रही है, अपने आप को रिप्रोड्यूस कर रही है, बाइनरी फिजन कर रही है। पर अगर इस अमीबा के पास अंडर अनफेवरेबल कंडीशन है, अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस में अमीबा क्या करेगा, देखो आओ। सबसे पहले अमीबा अपने आपको प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है, न्यूक्लियस अमीबा सबसे पहले ये अपने ऊपर तीन लेयर्स बनाएगा, कवरिंग इटसेल्फ विथ थ्री लेयर्स अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस। अंडर अनफेवरेबल कंडीशन मतलब कोई टेम्परेचर का वेरिएशन आ गया, इसको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रही है, पीएच अल्टर हो गया ये जहां पर रहता है, ठीक है। ऑब्वियसली यू नो ना, अमीबा इज अ कॉस्मोपॉलिटियन ऑर्गेनिज्म, कॉस्मोपॉलिटियन मीन्स फाउंड एवरीवेयर, हर जगह प्रेजेंट होता है। सो अगर ये जहां भी रह रहा है वहां पर कोई भी ऑल्टरेशन इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर आ जाए, इन टर्म्स ऑफ पीएच आ जाए, ठीक है, तो ऑब्वियसली अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस अब अमीबा कैसे सरवाइव करेगा? वो क्या करेगा, सबसे पहले अपने ऊपर तीन लेयर्स बना लेगा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज इंसिस्टेशन, इंसिस्टेशन। सो इंसिस्टेशन इज अ प्रोसेस बाय इन विच द अमीबा लेयर्स इटसेल्फ विद थ्री कवरिंग्स इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ फ्रॉम अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस, ठीक है। इस टाइम पे अमीबा कुछ नहीं करेगा, ठीक है, नो रिप्रोडक्शन, नो इंटरनल मैकेनिज्म, नो मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिकली वो इनएक्टिव स्टेट में चला गया, ठीक है। जैसे सीड में डॉर्मेंसी आ जाती है, मेटाबॉलिकली इनएक्टिव हो जाता है सम टाइम के लिए, कुछ टाइम के लिए आपका सीड, ऐसे आपका अमीबा मेटाबॉलिकली इनएक्टिव हो गया, ठीक है। अब इसको दोबारा क्या मिल गई है, फेवरेबल कंडीशंस, सिचुएशन हर टाइम एक जैसी नहीं रहती है, चीज़ें बदल गई, फेवरेबल कंडीशंस आ गई। जैसी फेवरेबल कंडीशंस आएंगी, अमीबा इन ही लेयर्स के अंदर क्या करेगा, तीन लेयर्स बना देती हूँ पहले मैं, इन्हीं लेयर्स के अंदर ये अमीबा अपने बहुत सारे छोटे छोटे अमीबास बनाएगा थ्रू मल्टीपल बाइनरी फिजन, बहुत छोटे छोटे ऐसे अमीबास बना देगा। ईच अमीबा इज कॉल्ड एज सूडो पोडियो स्पोर्स, ऑब्वियसली अमीबा के लिए एक बचपन सा नाम सुनते आ रहे हैं हम, सूडोपोडिया, तो बस उसके आगे स्पोर्ट्स लगना है। तो ऐसे जो बनेंगे दीज का कॉल्ड एज सूडो पोडियो स्पोर्ट्स। जब ये सूडो पोडियो स्पोर्ट्स बन जाएंगे, ठीक है, अल्टीमेटली क्या होगा, ये आपकी तीनों लेयर बर्स्ट हो जाएंगी, तीनों लेयर बर्स्ट हो गई, बर्स्ट होने के बाद ये सारे अमीबाज और सूडो पोडियो स्पोर्ट्स आपके बाहर आ जाएंगे। इस चीज का बाहर आना, मतलब सारे स्पोर्ट्स का बाहर आना, दिस इज कॉल्ड एज स्पोरुलेशन। क्लियर? क्या हो रहा है अल्टीमेटली,
लिख लिया सबने, एक बार रिवाइज करें, दोबारा आ जाओ कि अमीबा अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस क्या करेगा, सबसे पहले अपने ऊपर तीन लेयर्स बनाएगा, ठीक है, मेटाबॉलिकली इनएक्टिव हो जाएगा. द फॉर्मेशन ऑफ थ्री लेयर्स इज कॉल्ड एज इंसिस्टेशन. क्लियर? इंसिस्टेशन के बाद क्या होगा, जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस लौटेंगी, जैसे ही आपकी फेवरेबल कंडीशंस लौटी, वैसी ही विद इन दिस स्ट्रक्चर, इसी स्ट्रक्चर के अंदर उसने बहुत सारे अपने अंदर फिजन करी, मल्टीपल फिजन, बाइनरी फिजन, बहुत सारी फिजन्स करी, जिससे आपके बहुत सारे क्या बन गए, सूडो पोडियोस्पोर्स. दिस स्पोर्स या दिस माइन्यूट अमीबाज आर कॉल्ड एज सूडो पोडियोस्पोर्स. ये सूडो पोडियोस्पोर्स फिर अल्टीमेटली सेल वॉल को बर्स्ट करेंगे और बाहर आएंगे. सो दिस बाहर आना इज कॉल्ड एज स्पोरुलेशन. ठीक है, तो हमें ये पूरा पता चल गया फिजन में क्या इंपॉर्टेंट है. सबसे इंपॉर्टेंट पेरेंट बॉडी नहीं रहती है, पेरेंट बॉडी कहीं नहीं है, ये पेरेंट बॉडी है, अल्टीमेटली हमें डॉटर सेल्स मिल गई इसमें से ही, तो पेरेंट बॉडी इंटैक्ट नहीं रहेगी. दूसरी बात, डॉटर सेल्स जो फॉर्म जो डॉटर सेल्स फॉर्म होंगी वो इक्वल साइज की होंगी. क्लियर? अच्छे से लिख लो, अच्छे से समझ लो, फिजन समझ में आ गया. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट फर्दर विद बडिंग. बडिंग के केस में इंपॉर्टेंट क्या है और बडिंग फ्यूजन से डिफरेंट कैसे है? आओ, बडिंग कब होती है, जब पेरेंट बॉडी के ऊपर एक छोटा सा आउटग्रोथ आ जाता है, एंड दैट पर्टिकुलर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज अ बड. सो द फॉर्मेशन ऑफ आउटग्रोथ in the parent body is called as budding. इस process को budding कहते हैं. and the structure formed is a bud. ठीक है, अब इसमें important point समझो. obviously मैंने क्या बोला, for example ये मेरा वो organism है जिसमें आपका budding हो रही है. ठीक है, कि वो ऑर्गेनिज्म है जिसमें आपकी बडिंग हो रही है, तो ये आपका सिमिलर टाइप का एक बड आ जाता है. तो दिस इज माय बड एंड ये पेरेंट बॉडी है. क्लियर? तो इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होगा, ऑब्वियसली जो हमने फ्यूजन के टाइम पे पढ़ा था, दो वहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे थे, वहां पर ही यहां पर आएंगे कि पेरेंट बॉडी क्या रहती है, मरती नहीं है, पेरेंट बॉडी अपने आप को डिवाइड नहीं कर रही है, वो एक छोटा सा बस आउटग्रोथ निकाल रही है. ठीक है, सो द पेरेंट बॉडी रिमेन्स इंटैक्ट. सेकंड, द ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस इज ऑफ स्मॉलर साइज. कैसा होता है ये? स्मॉलर साइज का होता है. ठीक है, और उसमें क्या हो रहा था, डॉटर सेल्स आपकी इक्वल साइज की बन रही थी. ठीक है, यहां पर जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो रहा है वो आपके छोटे साइज का हो रहा है. क्लियर? इसका एग्जाम्पल देखो, हाइड्रा एंड ईस्ट. बेटा कुछ ऑर्गेनिजम्स में आपकी मल्टीपल बडिंग भी होती है. ठीक है, मल्टीपल बडिंग मतलब ये नहीं कि यहां पे भी एक बड, यहां पर भी एक, यहां पर भी एक बड. नो, अगर ये आपका ईस्ट है तो ये बड आई, उसके बाद इसके ऊपर एक, ऐसे ऐसे एक के ऊपर एक बडिंग होती चली जाएगी. सो ये किस में होता है आपका, मल्टीपल बडिंग ईस्ट के केस में. क्लियर? बडिंग अच्छे समझ में आ गया है. अच्छा, इसमें याद रखना है, द बड इज इनिशियली अटैच्ड टू द पेरेंट बॉडी. ठीक है, जब तक उसको न्यूट्रिशन की जरूरत है तब तक वो पेरेंट बॉडी से अटैच रहेगी.
जैसी वो फुली थोड़ी बहुत अपने आप में कैपेबल आएगी, वो डिटैच होगी, वो एक फुली ऑर्गेनिज्म बनाने के लिए कैपेबल रहेगी। क्लियर? तो इसमें बात याद रखना, बर्ड इज इनिशियली अटैच टू द पेरेंट बॉडी बट लेटर ऑन इट डिटैचेस एंड फॉर्म्स अ कंप्लीट फुली मैच्योर ऑर्गेनिज्म। क्लियर? समझ में आ गया? चलो, बडिंग यहां खत्म। बडिंग के बाद आते हैं हम फ्रेगमेंटेशन पे। फ्रेगमेंटेशन क्या है आपका बेटा? फ्रेगमेंटेशन इज अ प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म डिवाइड्स इनटू फ्रेगमेंट्स। कि अगर एक ऑर्गेनिज्म फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो रहा है तो हर एक जो फ्रेगमेंट है आपका इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग अ फुली मैच्योर ऑर्गेनिज्म। क्लियर? सो फ्रेगमेंटेशन इट इज अ प्रोसेस इन विच द फ्रेगमेंट्स generated are fully capable of forming a new organism. ठीक है? It's a process by which or in which the fragments generated are fully capable of producing a new organisms. Example, Spirogyra. अब देखो होता क्या है, जनरली अगर मेरा ये ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, एंड इट विल डिवाइड इनटू फ्रैगमेंट्स 1, 2 and 3, ठीक है, और ये हर एक फ्रैगमेंट अपने पूरा इंडिविजुअल बनाने में हेल्प करेगा, पूरा इंडिविजुअल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जितने फ्रैगमेंट्स बनेंगे उतना ही उतने नंबर के आपके ऑर्गेनिजम्स बनेंगे। क्लियर? तीन फ्रेगमेंट्स हुए, तीन हमें न्यू ऑर्गेनिजम्स मिल गए। एग्जाम्पल क्या याद रखना है? स्पायरोगायरा। ठीक है? इसी का एक सेम वर्ड है, मतलब सेम प्रोसेस है जो बच्चे बहुत जनरली कंफ्यूज रहते हैं, दैट इज रीजनरेशन। बेटा ये बिल्कुल भी सिमिलर नहीं है। अगर आप सोचने पे आओगे तो आई थिंक मोस्ट ऑफ द बच्चे सोच भी नहीं पाएंगे कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। राइट? चलो नाम से ही देखो, रीजनरेशन। ठीक है? दोबारा उसी चीज की जनरेशन। ठीक है? रीजनरेशन मतलब, री मतलब अगेन, अगेन टू जनरेट, किसी चीज को दोबारा से जनरेट करना, दोबारा से प्रोड्यूस करना, दिस इज योर रीजनरेशन। यहां पर किसी चीज को प्रोड्यूस नहीं कर रहे, इसको फ्रेगमेंट्स में तोड़ा है। नो, हर एक फ्रेगमेंट इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग अ न्यू ऑर्गेनिज्म, राइट? बट इन केस ऑफ रीजनरेशन, इस केस में आप लिखो, इन विच इट्स अ प्रोसेस इन विच द ऑर्गेनिज्म रिपेयर और रिप्रोड्यूस द लॉस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी, द लॉस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी बाय पॉलिफरेशन, बाय पॉलिफरेशन। पॉलिफरेशन का मतलब डिवाइडिंग ऑफ सेल्स। Proliferation means dividing of cells. ठीक है? Example, Panaria. ठीक है? इसमें generally क्या होता है, जैसे अगर ये organism है, इसको मैं red marks में बताती हूँ आपको, कि same organism है, ठीक है, उसका बाय चांस ये पार्ट टूट गया, लॉस्ट हो गया, तो अब ऑर्गेनिज्म बेचारा इतना ही बचा है। ठीक है? इसका एक पार्ट नहीं है बॉडी का, तो इस पार्ट को दोबारा रीजनरेट करना बाय डिवाइडिंग ऑफ द सेल्स। यहां के सेल्स क्या करेंगे? अब डिवाइड करेंगे और अल्टीमेटली ये पोर्शन रीजनरेट करेंगे। ठीक है? सो दिस इज अ प्रोसेस ऑफ रीजनरेशन। समझ में आ गया डिफरेंस क्या है फ्रेगमेंटेशन में और रीजनरेशन में? ओके, अभी हमने क्या पढ़ लिया है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वो पार्ट जिसमें आपके सारे ऑर्गेनिजम्स जो डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं। हम आगे पढ़ेंगे अब कि कौन से दो पार्ट्स हमने और पढ़ने हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, कि
कि फॉर्मेशन ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स कॉल्ड एज स्पोर्स, और दूसरा वेजिटेटिव प्रोपगेशन, जो हम आगे वाली स्लाइड्स में पढ़ेंगे।